नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कथित तौर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक नेता किसी व्यक्ति को चप्पलों से पीटते हुए दिख रहा है। इसके बाद से ही विपक्षी पार्टी कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी की शिवराज सिंह चौहान सरकार आदिवासियों के खिलाफ अत्याचारों को रोकने में विफल है। इसी के साथ कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने तत्काल रूप से सीएम शिवराज से इस्तीफा देने की मांग की है। रणदीप सिंह सुरजेवाला का कहना है, कड़वा सत्य यह है कि आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है। सिर पर चप्पलें मारकर पीटे जा रहे हैं, पेशाब से नहला रहे हैं, जानवरों का खाना खिला रहे हैं, आदिवासी गौरव और सम्मान पर यातनाओं का कहर ढा रहे हैं भाजपा। ऐसी सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को बिना विलंब के इस्तीफा दे देना चाहिए। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। क्या आदरणीय मित्र, मैंने मोदी जी को कई बार सुना, वो बोलते हैं 75 साल में ये नहीं हुआ, 50 साल में ये नहीं हुआ। मैं आपसे केवल बहुत सादर और विनम्रता से एक बात कहता हूं, मैंने आपके समक्ष, और मैं कमलनाथ जी नहीं, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं और कमलनाथ जी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने केवल आपसे ये अनुरोध किया था कि मेरे भाई, क्योंकि मैं वो सफर करेंगे, पूरे प्रदेश में जाएंगे, और बतौर महासचिव के मेरी ये जिम्मेवारी है कि मैं अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करूं, तो मैं यहाँ उपलब्ध हूँ आप लोगों से वार्तालाप करने, आपकी जिज्ञासा का जवाब देने। सवाल बड़ा सीधा है, 50 साल में ये नहीं हुआ, 60 साल में नहीं हुआ, 70 साल में ये नहीं हुआ, मैंने आपको 9-10 महीने में क्या हुआ वो बताया। एक वारदात हो सकती है, शायद दो वारदात भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, पर 3000 नहीं हो सकती। और जब किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में आदिवासियों के खिलाफ दिन प्रतिदिन प्रतिदिन हजारों वारदात हो, उनके वन पट्टे छीन लिए जाएं, जिस जल जंगल जमीन का अधिकार कांग्रेस ने उन्हें दिया था, मैं चर्चा नहीं करना चाहता था पार्टी की, क्योंकि आपने पूछा इसलिए मजबूरी में करना पड़ा। इसलिए ये बात आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष रखने की हमने चेष्टा की है, मैं मलतम जी, और केवल ये प्रयास किया है कि जब दिन प्रतिदिन जिस पार्टी की मानसिकता, क्या आपका दिल नहीं दहला कि एक आदिवासी की लाश पड़ी है और एक बदहिवास, एक और हमारा आदिवासी भाई जमीन पर उकड़ू बैठा है, जो हमारा अक्सर गांव में अपन बैठते हैं, और भाजपा का नेता उसके सर पर जूते मार रहा है, क्या आपका मन विचलित नहीं हुआ? मैंने कल से, जब से आपने ये वीडियो चलाया और देखा, कम से कम मेरा मन बड़ा व्यथित है, और मैंने उसकी व्याख्या करने की केवल चेष्टा की। हाँ, आप चाहते हैं कि आदिवासी कल्याण की योजनाओं पर चर्चा हो, मैं और आप अलग बैठकर कर लेंगे, और हमारा विजन, बाकायदा एक एसटी चार्टर हम लेकर आ रहे हैं, उसको आज कहना शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि वो पार्टी के अनुशासन की फिर परिधि में नहीं आएगा, उसकी भी एक दिन हम आपसे व्याख्या करेंगे। मैम, आदरणीय मित्र, एक बात जरूर जान लें, आप इस पत्रकार सम्मेलन में आए हैं तो क्या आप कांग्रेसी बन गए या कांग्रेस पार्टी के सदस्य हो गए? मैं बड़ी विनम्रता से और आदर से, आदर भाव से कह रहा हूं, आप इस पत्रकार गोष्ठी में आए क्योंकि आपको मेरी बात सुननी थी, पर जरूरी नहीं आप मेरी बात से सहमत हो। पर प्रजातंत्र का और आस्था का यह नियम है कि सबकी बात सुनो। अगर आपसे कुछ अच्छा मिलेगा मुझे तो मैं लूंगा, जो मुझे आपसे असहमति होगी मैं नहीं लूंगा। पर आपके अंदर सब बुरा है यह सही नहीं, आपके अंदर सब अच्छा है यह भी सही नहीं। व्यक्ति जो है उसके बारे में कहते हैं कि वो गलतियों का पुतला है, हमारे समाज में, संस्कारों में कहा गया, तो हर व्यक्ति में कुछ अच्छा है, हर व्यक्ति में कुछ बुरा है। तो इसलिए आस्था के लिहाज से कहीं जाना बुरा नहीं है, पर
पर सवाल यह नहीं है कि कौन कहां गया था, इससे यह विषय भटक जाएगा। सवाल यह है कि आदिवासी विरोधी मानसिकता वाले शिवराज को गद्दी पर बने रहने का अधिकार है या नहीं है। एक सवाल इस तरफ से भी लेने अगर, क्या यह आपको नहीं साबित करता और आपके दर्शकों और पाठकों को कि वो आदिवासी अत्याचार पर जवाब नहीं देंगे, वो आदिवासी पट्टों को खारिज करने पर जवाब नहीं देंगे, वो पटवारी परीक्षा के 15-15 लाख की रिश्वत पर जवाब नहीं देंगे, वो पोषण आहार के घोटाले पर जवाब नहीं देंगे, वो कारम बांध के भ्रष्टाचार पर जवाब नहीं देंगे, वो एक महीने में ही मध्य प्रदेश की हर महिला की रसोई से 1200 रुपए काटे जा रहे हैं उस पर जवाब नहीं देंगे, वो तेल मसाले पेट्रोल डीजल गैस की कीमतों पर जवाब नहीं देंगे, वो केवल और केवल भटकाएंगे। ना मध्य प्रदेश के लोग भटकेंगे, ना कांग्रेस के साथ। सवाल के दो पहलू हैं। पैसा एक्ट पर मिश्रा जी ने, हमारी पार्टी के अन्य साथियों ने कई बार, और हमें भी छोड़ दीजिए, हम समझते हैं कि एक बार हमें छोड़ दीजिए, जो भिन्न भिन्न गैर राजनीतिक आदिवासी संगठन है उन्होंने शिवराज सरकार के द्वारा लाए गए पैसा एक्ट को सिरे से खारिज किया है, क्योंकि उसमें इतनी खामियां हैं कि मैं गिनाने लगूंगा तो शाम हो जाएगी। और उन्होंने खुद भी मुझसे इन पिछले दिनों में भिन्न भिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने चर्चा भी की, और अगले कुछ दिनों में वो दोबारा आएंगे ताकि हम उसे अपने मैनिफेस्टो में डाल सकें, जो हम डालेंगे। दूसरा पहलू है कि आदिवासी मुद्दों का कहीं खो जाना। मैं एक बात में आपसे पूर्णतः सहमत हूं कि आदिवासियों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता से उठाने की और उनका क्रियान्वयन की आवश्यकता है। इसीलिए माननीय कमलनाथ जी ने, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय किया है कि मैनिफेस्टो में तो आएगा ही, पर हमें एक सेपरेट एसटी वेलफेयर चार्टर, आदिवासी कल्याण चार्टर लाएंगे। उसकी तरमीम क्या होगी, तफसील क्या होगी, वो आज मैं चर्चा नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरी ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं है, पर उस वो लगभग बनकर तैयार है। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।